इसलिए आप लोगों को वहां से जाना पड़ा। ओके, प्लीज मेहरबानी से आज आप अपनी तीन ऑप्शन जो इन्होंने टीम बनाई होगी वहां पे दे दीजिए। दूसरा काम ये कहा है कि जब भी कोई काफिला अपनी जगह से जो आप डिसाइड करेंगे खार रॉफल जिधर से इकट्ठा होके मेन रोड पे जाने से पहले वो एमएलए एमपी टिकट होल्डर सदर जनरल सेक्रेटरी एक वीडियो बनाएगा, सिर्फ ट्रांसपोर्ट की वीडियो नहीं खाने का मैंने कहा। उन्होंने कहा वीडियो आप अंदर से हर बस की गाड़ी की बनाएंगे, अंदर आप कितनी हवा में क्या है। उन्होंने कहा कि सिर्फ आपने वर्कर्स को नहीं लेना, आपने आवाम को भी अपने साथ शामिल करके उस शॉप पे पहुंचना है। फिर उन्होंने ये कहा था कि हर काफिला हर एमएलए एमपीए सदर सेक्रेटरी अपना व्हाट्सएप को भी करते क्योंकि इन्होंने उससे शायद इंटरनेट बंद कर दें या इतना स्लो हो जाए कि आप एक दूसरे को मैसेज नहीं भेज सकें। मैसेज के लिए आप अपने लड़के तैयार रखें जो बाइक पे एक दूसरे को आपको मैसेज दें। आपके फोन का सिस्टम, मीडिया का सिस्टम आपने अपने साथ रखना है, जो इंटरनेशनल मीडिया साथ रख सके वो इंटरनेशनल मीडिया रखेगा, जो यूट्यूबर्स यानी कि मीडिया में आपकी जो जो आपकी मूवमेंट है इस्लामाबाद पहुंचने तक की इस्लामाबाद की वो आवाम में एक पर्व जानी चाहिए और फिर सब अपने आप में ही कुछ जिम्मेदारी उठाएंगे। आपके साथ में का कोई वर्कर जख्मी होता है या आपके घर में कोई मसला है तो उस हल्के के एमएलए एमपीए सदर सेक्रेटरी मिलके उस ऐसे भी वर्कर की इसका वजह से हमेशा होता है कि आपके वर्कर चले जाते हैं और हल्के के लोग उनको पूछते ही नहीं। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको उन वर्कर का प्यार भी रखना पड़ेगा, उनके घर को भी देखना पड़ेगा। अच्छा जी, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, खान ने कहा है कि जिसके पास सबूत के तौर पे वीडियोस नहीं होगी वो नेक्स्ट टिकट होल्डर नहीं होगा, क्योंकि आप चाहे वो 25 साल या 30 साल पुराना हो उसकी बहुत सी वजह ऐसी है कि बहुत से लोग कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि पहले ही पुलिस को कॉल कर देते हैं कि हमें फलां जगह से पकड़ो, तो इस तरह ये चीजें नहीं चलेंगी क्योंकि ये जो रंग है ये सिर्फ खान की आजादी की नहीं है, ये हमारे मुल्क की आजादी की है। और मैं पहले ही इसी दफा कह चुकी हूँ कि जो कलमे का असल मतलब समझते हैं, असल मतलब जानते हैं, जो सच्चे मुसलमान हैं उनको बहुत अच्छी तरह पता होता है, बल्कि उनको समझाने की जरूरत ही नहीं होती क्योंकि हर सच्चा कलमा वो मुसलमान एक गैरतमंद मुसलमान होता है और जो गैरतमंद मुसलमान होता है उसके अंदर वफा होती है और उसको पता होता है कि वो अपने लीडर से वफा अपने अल्लाह और अपने मुल्क के लिए खाता है, क्योंकि मुल्क सिर्फ खुदा का है, वो किसी भी हुक्मरान का ना मेरा आपका ना इमरान खान का, मुल्क सिर्फ हमारे रब का है और ये जंग हमारी खान को आजादी और मुल्क की आजादी के लिए। इंटरनेशनल मीडिया को अरेंज कर सके उसने अपने इंटरनेशनल मीडिया को जरूर साफ रखना है। दूसरा, आपने एक लायबल तैयार करना है कि आपने वहां जो शॉप जो खाने डिसाइड किया है वहां पहुंचने तक आपने अपनी गिरफ्तारी भी होने देनी और अपने वर्कर्स की भी गिरफ्तारी होने देनी, यानी कोई ऐसा लायबल तैयार होना चाहिए जो खाने पान से दस हजार नहीं है वो इतनी भी कहे ताकि आप लोगों और वर्कर्स को कोई गिरफ्तार न कर सके। दूसरा, नवंबर जो है वो खान की सिर्फ खान की नहीं खान और मुल्क से आपकी वफा का इम्तिहान है। मैंने बहुत सब सुना कि यहाँ पे लूटिंग हो रही है इस वक्त, ये आपने टीपू सुल्तान की अगर किसी ने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो फिर आपको पता लगेगा कि वीर सारे और जाफर बने क्यों थे, क्योंकि जब आपकी ग्रुपिंग शुरू हो जाती है तो फिर वीर सारे और वीर जाफर सारे खाना शुरू कर देते हैं और ग्रुपिंग जब होती है तो नुकसान किसका होता है, मुल्क का होता है। जैसे वीर सारे वीर जाफर टीपू सुल्तान की हिस्ट्री में अगर ना होते तो आज मुसलमान बहुत स्ट्रांग और एक ताकतवर कौम होती, लेकिन उसकी उस जो हिस्ट्री थी उसमें जब टीपू सुल्तान से गद्दारी की गई मीर सादिक मीर जाफर आए और वहां से ही मुसलमानों ने गिरना शुरू किया। तो आज आप लोगों ने भी ये डिसाइड करना है कि क्या आप वाकई की कलमा वो हैं, क्या आप वाकई की अपने आप को अल्लाह रसूल के उम्मती समझते हैं। वो आपने शेर सुना है ना कि तूने मोहम्मद से वफा, वो आप सबको पता है वो क्या है, क्या नबी करीम को हमारी वफा की है, हमारी जरूरत है, कभी किसी ने समझा इस शेर में है क्या, वो वफा है क्या,
वो खुदा ये है कि जो उनके अमाल जो उनकी सुन्नत है उस पर मुसलमान अपनी जिंदगी गुजारे। और खुदा क्या होती है, जिसने अल्लाह नबी से अपने लीडर से अपने मुल्क से अपने रिश्तों से वफा की उसका ताल्लुक एक अल्लाह की जात से होता है। और वफा वाला इंसान ही गैरतमंद कहलाता है। जैसे कि बचपन से हम सोचते आए और ये बात भी है कि पठान हमेशा एक गैरतमंद और जहादी कौन जानी जाती है, ये सबको पता, हमने भी बचपन में सुना है। और खान को सिर्फ उम्मीद नहीं है, खान को यकीन है कि अगर हर एमएलए एमपीए सदर जनरल सेक्रेटरी और वर्कर दो दो दिन भी अपने हल्के में लगा ले तो आप कम से कम 5 लाख एटी से लेके निकल सकते हैं। और अगर आपने ये कर लिया तो हमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई हमें हरा सकता है। और अगर आपकी ये नीयत हुई कि ये सिर्फ अल्लाह और मुल्क पठान के लिए है, आप अपनी ग्रुपिंग को इस वक्त साइड पर रखते हैं। ग्रुपिंग होती क्यों है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने आपको ताकतवर करने के लिए। इसके अलावा तो किसी को कोई जरूरत नहीं है। आप मुझे सिर्फ ये बताएं, जिस जगह आज हम सारे बैठे हैं, इससे पहले यहाँ महमूद खान थे, उससे पहले कभी सतर्क थे, जब भी कोई किसी कुर्सी पे आता है, जरूरी नहीं है कि कुर्सी बड़ी हो या कुर्सी छोटी हो, कुर्सी कुर्सी ही है, वो एक ताकत की अलामत है। जब भी कोई किसी कुर्सी पे आता है वो अपनी कुर्सी के हिर्स में, अपनी ताकत के हिर्स में ये भूल ही जाता है उससे ऊपर एक खुदा है, जो हमारे सबसे बड़े लीडर नबी करीम है, जिनकी सुन्नत पे हमको चलना है। और फिर लीडर खुदा खुद बनाता है, उसके अंदर सलाहियतें अल्लाह की तरफ से होती है। हर कोई सियासत करने वाला लीडर नहीं बन सकता, इसलिए उसके गॉड गिफ्टेड सलाहियतें ही उसको लोगों से मुनफरिद करती है। और वो हमारे लीडर इमरान खान है। तो जब इमरान खान की क्यादत है, उसके नीचे ग्रुपिंग करने वाले को खान का वफादार और मुल्क का वफादार नहीं समझा जाता। और इस वक्त बिल्कुल भी केपी में ग्रुपिंग की इजाजत नहीं है। अगर आप इस वक्त खान की तहरीक को या जो खान ने हुक्म दिया है इस्लामाबाद आने को खराब करने की कोशिश करेंगे, कमजोर करने की कोशिश करेंगे, इसका मतलब ये होगा कि आप खान से और मुल्क से वफादार नहीं है। आप जैसे मैं अक्सर मिसाल देती हूँ कि शाहीन और गिद्ध में क्या फर्क है। शाहीन की परवाज बहुत ऊंची होती है और वो बल्कि दुनिया खान को शाहीन कहती है। गिद्ध की ख्वाहिश होती है और अक्सर वो शाहीन के साथ परवाज करता है और उतना उनका उड़ता भी है, लेकिन जैसे ही उनकी मिजाज देखता है वो डाइट मारता है, उसको गिर जाए और उसको तब तक खाता है जब तक उसका गोश्त खत्म ना हो जाए। शाहीन ने जान किया है उसकी परवाह की होती है, बहुत होती है, और जब उसको भूख लगती है वो ताजा गोश्त कैद करता है, तरीका पकड़ता है, जरूरत के मुताबिक खा के बाकी नीचे फेंक देता है। इसका समझाने का मतलब क्या है, गिद्ध और शाहीन, एक गिद्ध को ना हिर्स है ना लालच है किसी भी चीज का, उसने अपनी जरूरत के मुताबिक खाना और बाकी छोड़ देना है। और गिद्ध की हिर्स लालच उसको हमेशा जमीन की तरफ प्रभाव उसकी ले जाती है। वो कोशिश तो करता है शहीद के साथ चलने की, लेकिन अपने हिरस अपनी लालच की वजह उसको जमीन सतह पर फिर आना पड़ता है। तो आप लोग पठान है और पठान एक गैरतमंद जहादी कौन है, और इस दफा जीत के आप हमें दिखाएंगे बल्कि दुनिया को दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। Yeah!
जबरदस्त।